जो जानते हैं तुरंत खड़े में जाते हैं। क्या है शिक्षा की अवधारणा, अब बताओ तुम बताओ। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ बताओ, कौन बताएगा? शिक्षा में ई तथा ड्यू को आता है, उसका मतलब क्या होता है? तुम बैठ जाओ। ई तथा ड्यू को इसमें तुम लोगों में ज्ञान है ना, ज्ञान क्या होता है? ज्ञान पेपर में ना गुरु शिष्य परंपरा है, इसमें है ना शिक्षा में ज्ञान का क्या तत्व है? ग्रहण करते हैं, क्या ग्रहण करते हैं? अच्छा, बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर? संविधान क्या लिखी होगा, संविधान क्या क्या चीज है, वही पूछ रहा है सर। अरे फाइल में तुम लोग लिखे हो उसको, वही बताओ क्या क्या है उसमें, बताओ जी। मौलिक अधिकार कितने हैं बताओ? मौलिक क्या है? और क्या बताओ?
हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1954। संविधान को बनने में कितने वर्ष लगे? बोलो लड़कों में बताओ, संविधान सभा के अध्यक्ष अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा बताओ तुम लोग अध्यक्ष थे क्या? इधर बताओ, लिखने का कार्य उन्होंने किया था, अध्यक्ष कोई और था, उनके अध्यक्ष लिखा गया था ना, कौन थे बताओ तुम? वही तो अभी बताया है, और कोई नाम नहीं आ रहा है, बुझनी हो गई? अरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम नहीं सुने हो तुम लोग? yes, ये कोई नहीं बोला। भारत का संविधान कहां कहां से लिया गया है? अमेरिका और बताओ कोई? शिक्षक कोई परिभाषा आप लोग क्या? हाथ उठाइएगा, बताइए लिखल होती, हाथ उठाइएगा, किसको भी शिक्षक परिभाषा? लड़कों में पहले बताओ, हाथ उठाओ, शिक्षक की परिभाषा बताओ, बताओ। बैठ जाओ दोनों, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा के बारे में जो जानते हो बताओ। शिक्षा क्या है इसी बारे में बता दो, क्या है शिक्षा, कैसे बनती है? हाथ उठे किसको स्पेशल की स्पेलिंग याद है? 100% उठना चाहिए, सबका उठना चाहिए, कहा आधे लोग उठा रहे हो। क्यों बोल रही? चलो बच्चियों बताओ, तुम बताओ खड़े नहीं, ये तुम बताओ खड़े हो जाओ, नहीं जानता जल्दी सी भाई, किसी जानकारी किसी है पांच छह लोगों में तीन चार लोग बता रहे हैं। क्या बताना है? शिक्षा की परिभाषा बताओ।
फिर शुद्ध बोलती स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क का निवास ऐसे है ना, तब क्यों उलट रही है सब? डिफिनेशन चेंज नहीं किया, कोई दूसरा बताओ। इधर कोई बताओ, तुम लोग बताओ पीछे।